विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने बुरहानपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से चर्चा की। दिग्विजय सिंह ने दावा किया मध्य प्रदेश में कांग्रेस से 130 से अधिक सीटें आएंगी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं सीएम की दौड़ में नहीं हूं, चुनाव मैदान में। एमआईएम के उतरने पर उन्होंने कहा, एमआईएम चुनाव हराने के लिए चुनाव लड़ती है, जीतने के लिए नहीं। उन्होंने बीजेपी के बागी वा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान से व्यंग में पूछा कि वह कौन सी पार्टी में जाएंगे। प्रदेश भर में कांग्रेस के विरोध में काम कर रहे बागियों को 17 नवम्बर तक मनाया जा रहा है, अन्यथा उन्हें पार्टी के बाहर किया जाएगा। इंदौर विधानसभा सीट क्रमांक 1 पर कैलाश विजयवर्गीय का मुकाबला कांग्रेस के अरबपति नेता संजय शुक्ला से हो रहा है। चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के सभी दिग्गज नेता जो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं पर कटाक्ष करते हुए कहा, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, इन सब नेताओं को उनकी औकात दिखाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव लड़वा दिया है। बीजेपी के इन दिग्गजों के चुनाव हारने के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा, संकट में तो है। एमआईएम के टिकट की तरफ से पेशकश होती, मैं आज बहुत इस मन से बहुत जवाबदारी और जिम्मेदारी से नाम लेके बात कर रहा हूं, आप उससे बात कर लेना, कभी मेरी बात गलत निकले तो इकबाल चौराहे को मेरी कान पकड़ बोलना कि इस्माइल भाई आप गलत बोल रहे थे। मुमताज भाई आने वाले लोहार मंडी वाले मेरे पास दो बार आए संदे से लेके कि अवैसी साहब ने आपको सलाम बोले और आपको एमआईएम के टिकट से एमएलए का चुनाव लड़ता है। इस्माइल भाई अगर आप हाँ बोल दोगे तो साहब ने बोलेगी मैं और मेरा छोटा भाई अकबरुद्दीन अवैसी भी आएंगे। मुझे एमआईएम के जिला अध्यक्ष जहीर शेख का मेरे छोटे भाई का भी फोन आया, उसने भी बहुत इशरार किया कि इस्माइल भाई साहब का मैसेज है, मिनाज साहब कौन है मैं तो नहीं जानता, उनका मैसेज आ रहा है कि आप बात कर लीजिए, आपको एमआईएम से चुनाव लड़ना है, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं शुक्र अदा करता हूं उन तीनों का कि कम तो आपने महापौर के लिए लायक नहीं समझा लेकिन कम से कम आपने विधायक के लायक समझा। साथियों 130 से ज्यादा सीटें आएंगी। बीजेपी का आरोप है कि जो सरकार अगर बनती भी है तो आपस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ेंगे आपस में। मैं तो पहले ही कह चुका कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, मैं दावे में मैं दौड़ में ही नहीं हूँ। बुरहानपुर में एमआईएम खड़ी है उसको लेकर क्या कहते हैं, एमआईएम कांग्रेस बुरहानपुर में एमआईएम कौन सा पाई? एमआईएम तो केवल हराने के लिए चुनाव लड़ती है, जीतने के लिए थोड़ी लड़ती है। कांग्रेस में जो भी नेता बनता है उसके बाद में कभी एमआईएम में जाता है कभी बीजेपी में जाता है, क्या लगता है और क्यों जा रहे हैं? ऐसा है, अब हर्षवर्धन भैया से पूछो कौन सी पार्टी में जाएंगे। प्रदेश में क्या लगता है सरकार बनती है कांग्रेस की जी? मध्य प्रदेश में सरकार बनती है कांग्रेस की क्या? 100%, 100%। एक नंबर भाई भी काम कर रहे हैं उनको क्या जी? कांग्रेस के जो बागी भी काम कर रहे हैं जी, जो कांग्रेस का काम नहीं कर रहे हैं बागी बागी का मना रहे हैं 17 तारीख से, मान जाए तो ठीक है नहीं तो निकालेंगे। राजा साहब नेपाल अगर जो सीट है वहाँ से जो विधायक जीतता है उसकी सरकार बनती है तो किस तरह ताकत लगाओगे नेपाल अगर? पूरी ताकत लगी हुई है, हमारी गेंदू भाई लड़ रही महाराज। एक बार राजा साहब एक नंबर का चुनाव कहीं ना कहीं बहुत चर्चा में बना हुआ है, संजय शुक्ला और कैलाश विजयवर्गीय, किस तरह देखते हो उस चुनाव को? देखो कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, इन सबको नरेंद्र मोदी जी ने उनकी औकात दिखाने के लिए विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया। क्या लगता है ये सभी लोग दिग्गज चुनाव हारेंगे? दिग्गज चुनाव हारेंगे, संकट में तो है। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।